ठीक ठाक हो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह पाक सब बीमारों को शफा दे और सब बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सब सेहत तंदुरुस्ती दे और बच्चियों के अल्लाह पाक नसीब अच्छे से अच्छे करे, बेटों के भी और बहुओं के भी। बेटों को अल्लाह पाक कारोबार दे। सुम्मा अमीन। आज की मेरी रेसिपी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी रेसिपी है, ये आयल मैंने ऊपर रख दी है, ये गर्म हो गया। इसमें मैं डालती हूँ प्याज। पुलाव बनाने लगी हूँ, ये शाम के टाइम की रूटीन है। गेस्ट आ रहे हैं, पुलाव बनाने लगी हूँ मैं तो साथ साथ मैं आपको दूसरे काम चावल धो लूँ और मसाले वगैरह सारी चीज़ें निकाल लूँ तो फिर आप लोगों को मैं वो साथ साथ बताती हूँ। प्याज मेरे ब्राउन हो गए हैं, लाइट ब्राउन। अब मैं डालूँगी इसमें चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन डाल दिया मैंने। ये सब्ज़ मिर्च है, टमाटर है, अदरक है, लहसुन है, ये मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये घर का बना अचार है, सुर्ख मिर्च है, नमक है, गर्म मसाला है, धनिया पाउडर है, एक तेज़पत्ता है, बड़ी स्टिक है और बड़ी इलायची है, दो तीन लौंग है, दो तीन काली मिर्ची हैं और जीरा है। तो चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं, चावल भी साफ़ कर लेती हूँ, धो लेती हूँ। इसकी मैंने बुनाई कर ली है थोड़ी सी, अब मैं डालूँगी ग्राइंड की हुई चीज़ें सारी इसमें। अब थोड़ा सा पानी डालूँ। अब टमाटर, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च वो मैंने डाल दी है। तो अब इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेती हूँ, थोड़ी सी बुनाई हो जाती है फिर मैं खड़े मसाले डालती हूँ सारे साथ साथ। ये बर्तन और ये दूध गर्म हो रहा है। अब इसके साथ ही मैं खड़े मसाले डालूँगी। अचार है, सुर्ख मिर्च है, नमक है, गर्म मसाला है, धनिया पाउडर है, तेज़पत्ता है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, दो लौंग है और बड़ी स्टिक है और ज़ीरा है। चलो इसको मैं हल्का सा पानी लगाऊंगी, पानी लगा के धो के बीच में डालूंगी। इसमें मैंने दही लगा दी है। मुर्गा ज़रा भारी था बहुत, तो बड़े लाइट आंच पे मैं इसको इसकी बुनाई कर रही हूँ। दही लगा के मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। ये मैंने रायता बनाया है, रायता इस तरह है, सब्ज़ धनिया है तो लहसुन है तीन चार पीस और सब्ज़ मिर्च है दो और काली मिर्च है, जीरा है, गरम मसाला है और नमक है। तो ये मैंने ग्राइंड की है तो मुझे जल्दी थी इसलिए मैं दिखा नहीं सकी, फिर किसी दिन बनाऊंगी, फिर वो पूरी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। ये मैंने रायता बनाया, हमारा इस तरह का रायता होता है, ये ग्राइंडर में मैंने बनाया है। हाँ जी, बिल्कुल इसकी वो फुटी जो होती है बिल्कुल नहीं नज़रती फिर। हाँ जी, ये चावल मैंने डाल दिए। चावल डाल के अब मैं इसको कवर कर देती हूँ, पकने शुरू हो जाएंगे तो फिर दम लगाऊंगे। इधर थोड़े से चावल भुगाएं भीगे, थोड़े से चावल भुगो के उनको मटन का शोरबा बना हुआ है तो उसके साथ खाएंगे। मेरे मियाँ मुझे चावल नहीं खाते ना तो उनके लिए उबले चावल बनाने लगी। इतनी सख्त गर्मी है, इतनी सख्त गर्मी है तो बता नहीं सकते कितनी तो गर्मी है, बहुत गर्मी है। सुबह भी पसीने